गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट. डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है एक न्यू लेसन, लेसन नंबर सेकेंड सेमेस्टर का, जो आप लोगों की U3 में आएगा. आप लोगों को सिलेबस मिला होगा, सिलेबस ग्रुप में दिया है, अच्छे से सिलेबस को देखना, ठीक है. तो ये लेसन आप लोगों की U3 में आएगा, लेसन नंबर फर्स्ट और लेसन नंबर सेकेंड. तो आज इस लेसन को हम पढ़ेंगे. देखिए आप लोग, पीपल एट वॉक, आप लोग के लेसन का नाम है पीपल एट वॉक, यानी लोगों का काम, कि लोग कौन कौन सा काम करते हैं, वो इस लेसन में हमें पढ़ना है, ठीक है. गेट स्टार्टेड, सर्कल योर आंसर, आपके जो सही आंसर है, जवाब है, उसको हमें कलर करना है, ठीक है. आप लोगों को कलर करना है. देखिए पहला क्या पूछ रहे हैं, पापा वांट्स टू बाय ब्रेड, ही शुड गो टू आ. पापा जो है वो ब्रेड खरीदना चाहता है, तो उसको कहाँ जाना है, शॉपकीपर के पास जाना है या डॉक्टर के पास जाना है. शॉपकीपर के पास जाना है पापा को, वहाँ से उसको ब्रेड लाना है, ठीक है. तो इसको क्या करना है, आपको शॉपकीपर को कलर करना है, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए सेकेंड, मामा नीड सम वेजिटेबल्स, शी शुड गो टू आ. मामा जो है वो, उसको वेजिटेबल की ज़रूरत है या कुछ सब्जियों की ज़रूरत है, तो उसको कहाँ जाना है वो सब्ज़ी लाने के लिए, मिल्क मैन के पास या वेजिटेबल सेलर के पास, ठीक है. तो आप लोगों को पता है वेजिटेबल कहाँ होता है, वेजिटेबल सेलर के पास हमें सब्ज़ी मिलती है. तो हमें क्या करना है, आप लोगों को वेजिटेबल सेलर को कलर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये दो चीज़ आप लोगों को कलर करके रखना है. अब हम लेसन को स्टार्ट करेंगे. मैनी पीपल हेल्प, बहुत सारे लोग हमारे काम मदद करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ देम, चलो हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी मदद करते हैं, ठीक है. अ टीचर वर्क इन अ स्कूल, एक उस्ताद कहाँ काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं. A teacher teaches children to read and write. एक उस्ताद बच्चों को सिखाता है पढ़ना और लिखना, ठीक है. जैसे कि आप लोग स्कूल में जाके कौन सिखाते हैं आप लोगों को पढ़ना लिखना, टीचर, ठीक है. ये भी आप लोगों को एक हेल्प करते हैं. A doctor works in a hospital, एक डॉक्टर कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में. A teacher, doctor treats us when we fall sick. एक डॉक्टर जो है इलाज करते हैं हमारे जब हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है. ट्रीट मीन्स इलाज करना और सिक मीन्स बीमार होना, ठीक है. तो ये डॉक्टर्स और टीचर्स हमारी मदद करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे. आप लोग अच्छे से इनको 3-4 बार घर पे अच्छे से रीडिंग करना, डियर स्टूडेंट्स. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.